अमर रहे, प्रताप प्रकाश सिंह बादल अमर रहे, रोहिणी देवी लाल अमर रहे, जब तक सूरज चल रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। हाथ बन के चलो जगत दल दल अमर रहे, अमर रहे, प्रताप प्रकाश सिंह बादल अमर रहे, अमर रहे, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है क्योंकि सर प्रकाश सिंह बादल जी और चौधरी देवीलाल जी का ऐसा प्यार था कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन मेरी शादी हो के पहले दिन मैंने इस घर में मैं आई थी तो प्रकाश सिंह बादल जी के जब मैंने मथा टेका चरण पकड़े आशीर्वाद के लिए तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं, ये हमारे घर के आगू हैं चौधरी जी, पहले इनके आप आशीर्वाद इनका लीजिए और हमेशा ये पहले ये करनी है। तो ऐसा उनका प्यार, और आज मैं चौटाला परिवार का शुक्राना करती हूँ कि चौधरी साहब के साथ, देवीलाल जी के साथ, बादल साहब का जो इतना प्यार था, उस प्यार का नमूना, एक हिंदू सिख भाईचारे, एक सांझ का नमूना, सद्भावना का नमूना, किसानों के, मजदूरों के, हिंदुस्तान के दिलों, जिसने सेवा करी हर वर्ग की, गरीब की, आज ये प्रतिमा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को एक संदेशा देगी और एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैं शुक्राना करती हूँ कि आज उनके जन्मदिन में ये इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती। बादल साहब और देवीलाल जी को पूरे हरियाणा और पंजाब का नेता नहीं माना जाता, पूरे देश का नेता माना जाता था। जी जी, किसानों के मसीहा भी उनको कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों ने जितना किसानों के लिए किया बेमिसाल, ना उनसे पहले ना उनके बाद कोई ऐसे लीडर होंगे। चौधरी देवीलाल जी तो देश के प्रधानमंत्री बन के भी उन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने सेवा जो अदा की थी उसको कभी हम भूल नहीं सकते, और प्रकाश सिंह बादल जी चाहे 5 बारी इधर मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन उन्होंने भी किसानों के लिए जो किया, ये दोनों किसानों के मसीहा असली मतलब में पूरे देश में ये किसानों के मसीहा से हमेशा याद रहेंगे। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे चौधरी साढ़े बाल साहब दोनों स्टैचू लाए गए हैं। मैं कहना कि एक दोस्ती दी, एक किसान दी, ऐ जियां मसालां एक जगह ते आ गई हैं, मैं लगता है एक तीर्थ स्थल बन जूगा जिथे लोगों नू आके एक ऐसा मैसेज मिलेगा देश भक्ति का, देश की तरक्की वास्ते। वो लीडर जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी देश वास्ते ला दिती, गरीब किसान ते मजदूर वास्ते ला दिती, किस तरह कि हमारे जीवन में हमें दोनों का साथ देखने को मिला, दोनों का कार्य का मेरे किसान के प्रति देखने को मिला, और आज दोनों का आशीर्वाद यहाँ इकट्ठा होकर इस स्थली पर हमें मिला है। हमारी जिम्मेवारी थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने चौधरी देवीलाल का स्टैचू यहाँ पर इनेक्ट किया था, और मेरा मानता हूँ ये फर्ज भी था चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश के बाद कि इस भाईचारे, इस दोस्ती की मिसाल को अमर करते, और आज दोनों हरियाणा पंजाब की एकता कह लो, किसान कमेरे की एकता कह लो, आज इस नज़रिए के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ दोनों पगड़ी बदल भाई इकट्ठे आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल बनाए।